उज्जैन का काल भैरव मंदिर है। यहाँ शराब ही चढ़ावा और शराब ही प्रसाद है। जिसे जानने हम पहुंचे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर महाकाल की नगरी उज्जैन। तंत्रपीठ है जिनमें से एक उज्जैन में श्री काल भैरव है। काल भैरव महाराज को अनादिकाल से ही मदिरा का भोग लगता आया है। मंदिर के ठीक सामने शराब की दुकान है। यहाँ 150 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की देसी और विदेशी शराब मिलती है, जिसकी जितनी हैसियत वो उतनी ही महंगी शराब बाबा को चढ़ाता है। मालाओं के साथ श्रद्धालु शराब की बोतल मुख्य प्रसाद के तौर पर मंदिर में ले जाते हैं। हम लोग तो ये सोचते थे कि यहाँ पे मदिरा काल भैरव जी पीते हैं कि नहीं करके, हमको ये देखना था कि हकीकत में पीते हैं कि नहीं। जब ने हमने मदिरा उस समय हम जब पहले बार आए ना था उस समय ना ये फूल और फल जो है ना नहीं चलता, खाली मदिरा ही लेके लोग जाते थे और मदिरा को काल भैरव ना पी जाते थे। दिखा तो जैसे लोग पीते हैं ना दारू को, वैसे पीते हुए उसके मुंह से गड़गड़ गड़गड़ आवाज आती थी। मंदिर में पुजारी काल भैरव की मूर्ति के मुंह से एक चांदी का प्याला लगाकर शराब का भोग लगाते हैं। एक दिन में कई लीटर शराब काल भैरव की मूर्ति को पिला दी जाती है। लेकिन शराब का ही भोग क्यों? जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग होते हैं वहाँ वहाँ भैरव होते हैं, जो उनके कोतवाल के रूप में माने जाते हैं, जो सुरक्षा की व्यवस्था उनके पास होती है। उग्र देवता होने के नाते से वो शराब का पान भी करते हैं, कई जगह बलि भी चढ़ाई जाती है। बलि वो शौकीन बलि नहीं है, वो परंपरागत जो बलि है उसके हिसाब से तांत्रिक विधि के द्वारा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देव सात्विक और तामसिक होते हैं। सात्विक देवों को अनाज और मिठाई यानी शाकाहार भोग लगता है, वहीं तामसिक देवों को मांस मदिरा का भोग, जिसे श्रद्धालु महाप्रसाद भी मानते हैं। काल भैरव को गुवाहाटी की कामाख्या देवी के बाद दूसरी तंत्रपीठ माना जाता है। यहाँ विक्रांत भैरव और सती माता के मंदिर में देश भर से लोग तंत्र साधना करने आते हैं। विक्रांत भैरव है, इनका क्या महत्व? मैडम विक्रांत भैरव का ये महत्व है कि यहाँ पे जो तांत्रिक क्रियाएं होती है, यहाँ के जो अघोरी होते हैं वो अपनी पूजा पाठ करते हैं और क्रियाएं करते हैं। जैसे किसी को कोई परेशानी होती है, कोई परेशान होता है, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि हमारे पास भूत बाधा है या फिर कुछ किसी ने कुछ कर रखा है, तो वो ये मान्यता है यहाँ पे कि यहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं यहाँ पे होती है। उज्जैन में काल भैरव के अलावा नगर देवियों को महाअष्टमी पर सरकार भी शराब का भोग लगाती है। नगर पूजा में सबसे प्रथम जो महामाया और महालया जो प्रथम देवी है, जो यहाँ राज्य के द्वार पर बैठी हुई है, उनकी पूजा होती है, उसमें उनको भोग चढ़ाया जाता है। तो कलेक्टर जो यहाँ के होते हैं वो उनको मदिरा का भोग लगाते हैं, शासकीय होती है ये, और मदिरा की मटकी होती है वो पूरे नगर में चलती है। और इस नगर में जितने भैरव देवी शिव मंदिर आते हैं उनको सबको जो अपने अपने पसंद का जो भोग उस वक्त उन्हें राजा विक्रम ने लगाया था आज भी लगाया जाता है, ये हमारे यहाँ की अवंतिका की प्रथा है। आमतौर पर शराब की दुकानें धार्मिक स्थलों से दूर ही होती हैं, लेकिन मंदिरों की नगरी उज्जैन में शराब की दुकानें मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं।